उत्तर प्रदेश की जनपद महोबा में देश की भ्रष्ट नेताओं और अफसरों ने इस तरह लूटा है कि आज लोग चोरी, अवैध शराब, लूट जैसे तमाम तरह के आपराधिक कार्यों में संलिप्त होकर दो वक्त की रोटी कमाते देखे जा रहे हैं। आजादी से आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, सभी ने हिंदुस्तान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो दूसरी तरफ चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। इसकी तर्ज पर आज भ्रष्ट अफसरों व भ्रष्ट नेताओं के द्वारा देश में हुए भ्रष्टाचार की जाँच निष्पक्षता से नहीं की जा रही है, जिसके चलते आज लोग तरह तरह के अवैध कार्यों में संलिप्त होते देखे जा रहे हैं। ऐसा ही नजारा प्रकाश में आया उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा के छात्रपाल निवासी भरवारा जिला महोबा अपनी पुत्री के साथ मऊ नसिया में भरवारा की ओर जा रहे थे। तभी सुगिरा गांव के निकट एक भूखे बेबस लुटेरे ने उनके साथ लूटपाट शुरू कर दी, जिसको ग्रामीणों की मदद से पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस तरह आज भ्रष्टाचार की आग इतनी भीषण रूप ले चुकी है कि लोग तरह तरह के अवैध कार्यों को अंजाम देकर अपनी जीविका चलाते हुए देखे जा रहे हैं। लुटेरे के द्वारा वह झांसी का बतलाया जा रहा है। कहाँ का है? कहाँ का है? झांसी का है? ये क्यों किया? क्यों चुराया तूने? मारो नहीं, गहने छुड़ाएगा मात्र। आ रही आ रही पुलिस आ रही है। पूरा पूरा है सब आपका? सब है, सामान है, पूरा सामान है आपका? ठीक है ठीक है, मेरे सब पैसे आपके पैसे। क्या कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? कहाँ से? यही भरवारा। अच्छा, भरवारा के? यहाँ कैसे रुक गए? मोटरसाइकिल पंचर हो गई तो पापा कहते तुम यही रोको, हम अभी आ रहे सुधरवा के। अच्छा, ये कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? ये पीछे पड़ गए, वहाँ से उठ के आप पता है कुछ गाड़ी मोटरसाइकिल से पैदल था। अच्छा, आपकी गाड़ी पंचर हो गई थी, ये पीछे पड़ गया आपका? तो फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, पर्स छीन के भागे? बच्ची को छीना है साले। अच्छा, बच्ची को भी छीना? बच्ची को छीना? अच्छा, फिर गांव वालों ने पकड़ा होगा? हम चिल्लाने जो बहनों भागे मोटरसाइकिल में पीछे पड़ गए। ठीक है, जय हिंद कुशवाहा। अच्छा, तो आपने क्या देखा है यहाँ आके? मैंने रोड पे औरत रो रही थी, उससे पूछा क्या हो गया, बोली ये चोर बैग लेके भाग गया मेरा। अच्छा, मैंने कहा चलो देखता हूँ मैं आगे। मैं गया खेतों में से सीधी गाड़ी डाल दी। अच्छा, काफ़ी देर हो गई, पूरा पूरा उधर उधर इधर उधर कहीं नहीं मिला। फिर मैं गाड़ी में चाबी ले गया, गाड़ी आगे ले जाऊँगा, आगे देखूँ तो दिखाई दिया वहीं पे, गाड़ी के सामने जट सामने लेटा था। तो मैंने कहा फरीदी गंजे चरा रहे थे, उनसे मैंने कहा लाठी दो हमें हथियार ले आओ, भैंस उल्टो हमें हमला बोल दो। लाठी हमने उठाई, पकड़ को फ्रेश के लाया, हमने बैग छुड़ाओ, बैग लेके हम लोग और रखते रहे। और फिर इतनी में पुलिस आ गई और सब मिर्ची का पाउडर भी था, मिर्ची का पाउडर भी था साहब। अखंड भारत न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा।